बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आज गुरुवार सुशांत के पिता ने उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन हाल ही में आई खबर के मुताबिक उन्होंने अपनी मौत से 3 दिन पहले ही घर के नौकरों को उनकी सैलरी दी थी। बॉलीवुड का उभरता सितारा सुशांत सिंह अपनी मौत के बीच कई सफाल छोड़ गए, जिसका जवाब पुलिस तलाश कर रही है। सुशांत के इस तरह से जाने से हर कोई स्तब्ध है। नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड भी 2 खेमे में बढ़ गया है। पुलिस हर एंगल से उनकी मौत की वजह तलाशने में जुटी हुई है। इसी बीच ऐसे खबरें भी आ रही हैं कि सुशांत ने अपनी मौत से 3 दिन पहले ही घर के नौकरों को उनकी तनख्वाह दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह ये पैसे रख ले, क्योंकि आगे वह उन्हें सैलरी नहीं दे पाएंगे। इंडियन प्राइम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के एक सोर्स ने स्टाफ को सैलरी देने वाली बात का खुलासा किया। सोर्स के मुताबिक नौकरों ने सुशांत की सैलरी ना दे पाने की बात पर कहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने इतना किया है हमारे लिए, हम मिलकर देख लेंगे। सुशांत को लेकर हुए इस खुलासे से 2 बातें सामने आ रही हैं। पहली ये कि सुशांत किसी प्रोजेक्ट के ना हो पाने की वजह से हताश थे, या दूसरी यह है कि उन्होंने काफी पहले ही आत्महत्या का मन बना लिया था। सुशांत के इस बात को कुछ लोग उनके आर्थिक हालात से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन उनके दोस्तों ने पहले ही बता दिया था कि सुशांत को कभी पैसों की तंगी नहीं रही। उन्होंने सुशांत को खुशी खुशी करोड़ों के चेक लौटाते देखे हैं। इसी बीच ऐसी खबर भी आ रही है कि सुशांत एक अपनी एक्स मैनेजर दिशा सलियान के साथ वेब सीरीज को लेकर कांटेक्ट में थे। हालांकि पुलिस को इस बात की कोई सबूत नहीं मिले। बताया जा रहा है कि वेब सीरीज को लेकर सुशांत और दिशा के बीच अंतिम बार मार्च में बात हुई थी। अभी तक पुलिस की जांच में पता चला है कि सुशांत काफी दिनों से किसी बात को लेकर परेशान थे। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत ने घर पर काम करने वाला स्टाफ के साथ भी बातचीत करना कम कर दिया था। वह अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते थे। बता दें कि सुशांत काफी दिनों से डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। फिलहाल जांच में अभी भी कोई भी बड़ी बात सामने नहीं आई है। फिल्मी दुनिया के कई सितारे सुशांत की मौत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं। अब बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सामने आया। सुशांत की मौत पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुझे सुशांत काफी स्वाभिमानी दिखता था। अगर प्रॉब्लम्स थी, मुसीबतें थी, अगर कुछ लोग परेशानी का सबब बने तो उसको खुलकर सामने आना चाहिए था और दमखम के साथ मुकाबला करना चाहिए था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मामलों की जाँच पर कहा कि इन बातों की खोजबीन करने से कोई विशेष लाभ तो नहीं होगा, क्योंकि जानने वाला तो चला गया, उनके और उनके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना ही रह जाएगी। सुशांत की मौत को लेकर बिहार के मुजफ्फरनगर की एक अदालत में वकील सुधीर कुमार ओझा ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है उनमें फिल्मकार करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और एकता कपूर का नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। वकील सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि शिकायत में मैंने ये आरोप लगाया है कि सुशांत राजपूत को 7 फिल्मों से हटा दिया गया था और उनकी कुछ फिल्में रिलीज भी नहीं की गई, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे उन्होंने ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। बॉलीवुड का तेजी से उभरता सितारा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने गत रविवार सुबह फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुशांत के इतना बड़ा कदम उठाने के बाद से एक तरफ जहां लोग सदमे में हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में एक नया विवाद छिड़ गया है। अभिनेत्री कंगना रनौत के बाद अब फेमस अभिनेता प्रकाश राज ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म भाई भतीजावाद पर खुलकर बयान दिया है। अपने ट्वीट में सुशांत का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मैंने भी यह झेला है, वह बच्चा सुशांत सिंह नहीं झेल पाया। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड पर नेपोटिज्म का आरोप लगने लगा है। कंगना रनौत ने भी खुलकर बोला है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की, उन्हें मारा गया है। कंगना के बाद अब अभिनेता से नेता बने प्रकाश राज ने भी ट्वीट कर नेपोटिज्म पर बड़े बयान दिए हैं।
उन्होंने नेपोटिज्म से पैदा हुए सामाजिक अन्याय के बारे में बात की और बताया कि यह कैसे युवाओं के सपनों पर असर डाल रहे हैं। प्रकाश राज ने सुशांत सिंह की आत्महत्या के पीछे भी नेपोटिज्म को ही कारण बताया है। सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करते हुए अपने पुराने दिनों को याद किया है। उन्होंने बताया कि एक समय में उन्हें भी भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ना पड़ा था। प्रकाश राज ने लिखा कि नेपोटिज्म में इससे होकर गुजरा हूँ, मैं बच गया हूँ, मेरे जख्म मेरे अंदर गहरे हैं, लेकिन यह बच्चा सुशांत सिंह राजपूत नहीं कर सका। हम सीखेंगे, हम सच में खड़े होंगे और ऐसे सपनों को नहीं मरने देंगे। #justasking। आपको बता दें कि प्रकाश राज का ट्वीट अब सोशल मीडिया पर बहस का केंद्र बन गया है। उनका यह ट्वीट अब वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने रीट्वीट और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। एक यूजर ने लिखा कि नेपोटिज्म एक और दिखाई देने वाला वायरस है जो न सिर्फ फिल्म उद्योग में बल्कि जॉब सेक्टर्स में बाकी जगहों पर भी मौजूद है। किसी को कुछ भी नहीं पता है, बस कुछ समय के लिए सब इस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वही पुराना रूटीन चल पड़ेगा। सुशांत की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों के जवाब हर कोई खोज रहा है। इसी बीच बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो साफ तौर पर कह रही हैं कि सुशांत की मौत सुसाइड नहीं बल्कि एक प्लांट मर्डर है। कंगना वीडियो में काफी गुस्से में हैं। उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पेड़ लोग चला रहे हैं कि सुशांत मानसिक रूप से कमजोर था, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के रैंक होल्डर का दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? क्या है इसके पीछे का लॉजिक? सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपर हिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है, संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना, ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया, उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया, उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था, वो ये नहीं बताएंगे कि कैसा चाहिए क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। आपको बता दें कि मुंबई में सोमवार को विलेपार्ले के सेवा समाज घाट पर सुशांत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम विदाई देने के लिए उनके पिता, चचेरे भाई, तीनों बहनें और अन्य करीबी घाट पर मौजूद रहे। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में मुंबई पुलिस जुटी है, क्योंकि सुशांत के घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुशांत उन गिने चुने कलाकारों में आते हैं जिन्होंने टीवी के बाद फिल्मों में भी अच्छी सफलता हासिल की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की। टीवी के फेमस शो में से एक पवित्र रिश्ता से उनकी बड़ी पहचान मिली थी। हालांकि सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक में काम किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया और अपनी पहली फिल्म काय पोछे से उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया।